नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो ऑनर मोबाइल यूज़ करते हैं, यानी हुआवे का ऑनर फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर हुआवे के फ़ोन यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें स्विफ्ट कीबोर्ड होता है, SWIFT। ये कीबोर्ड अलग से ऐप है जो कि ऑनर द्वारा, हुआवे कंपनी द्वारा दिया गया है उनके फ़ोन्स में, और बाय डिफ़ॉल्ट ये यही रहता है। तो इसमें यूजुअली इंग्लिश ही ऑप्शन रहता है, इसमें कोई और रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं दिखता हमें। तो अगर हमें चाहिए कि हम अपना लैंग्वेज चेंज करें टाइप करने के लिए, तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अभी लैंग्वेज क्या दिखता है। तो अगर यहाँ पर मैसेज में मैं जाके स्टार्ट चैट पर क्लिक करूँ, तो यहाँ आप देखो सारे इंग्लिश में ही आ रहे हैं, और यहाँ पर कहीं भी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है जहाँ से मैं लैंग्वेज चेंज कर सकूँ, राइट। यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ पर भी हमें लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा। कॉन्फिगर इनपुट में जाएंगे तो भी हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा कोई लैंग्वेज के लिए स्विफ्ट कीबोर्ड में। तो आइए देखते हैं कि स्विफ्ट कीबोर्ड में हम लैंग्वेज कैसे चेंज करेंगे। मुझे हिंदी चाहिए यहाँ पर, इंग्लिश की जगह मुझे हिंदी टाइप करना है, तो कैसे हम उसको करेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले आपको इंटरनेट ऑन करना है, ओके। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ नीचे हम सिस्टम्स पे क्लिक करेंगे। सिस्टम्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन दिख रहा है, हमें इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें स्विफ्ट कीबोर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए आप लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, इसको क्लिक करिए। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि करंट क्या लैंग्वेजेस है यहाँ पर, तो वो इंग्लिश UK सेट है। अगर मुझे US चाहिए तो इंग्लिश US को ऑन कर सकते हैं, तो वो भी आ जाएगा ऑप्शन हमें। तो हमें अब कुछ और लैंग्वेजेस इंस्टॉल करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऑल लैंग्वेजेस करेंगे तो सारे तक के लैंग्वेजेस यहाँ पर दिख जाएंगे जो हमें ऐड करना है, और कुछ प्री इंस्टॉल्ड हैं लैंग्वेजेस, राइट। लेकिन अभी हमारे सेटिंग स्विफ्ट कीबोर्ड के ऑप्शन में नहीं दिखता, तो उसके लिए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मुझे हिंदी चाहिए तो यहाँ पर हिंदी आपको ढूंढना होगा, ये रही हिंदी, और इसको क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा यहाँ पर। इसके इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। आई गेस बहुत छोटी सी साइज है इसकी, इसलिए इतना जल्दी दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आ गया, हिंदी का इंस्टॉल हो गया, और यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। अब क्लोज करने के बाद हम यहाँ देखें, यहाँ पर हमें हिंदी भी ऑप्शन दे रहा है। अब हम आइए देखते हैं ऊपर में, यहाँ पर देखिए हिंदी में ऊपर ये ऑन हो गया है। तो अब हमें दो ऑप्शन दिखेंगे जब भी हम अपना कीबोर्ड यूज़ करेंगे स्विफ्ट कीबोर्ड में, इंग्लिश UK और हिंदी दोनों ऑप्शन। आइए बाहर से जाते हैं यहाँ से, और वापस से हम स्टार्ट चैट पे करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी पे हम क्लिक करते हैं, राइट, ऐसे ड्रैग करके हिंदी किया हमने। कैसे किया हमने दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, इसको क्लिक किया और लेफ्ट की तरफ किया तो हिंदी इंग्लिश ऐसे यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है। अब अभी इंग्लिश में टाइप हो रहा है, अब मुझे हिंदी में टाइप करना है तो इसको क्लिक करके होल्ड करना है और लेफ्ट की तरफ ऐसे स्क्रॉल कर देना है। अब यहाँ पर हिंदी वाले ऑप्शन आ गए। तो अब हम जब भी मैसेज वगैरह टाइप करेंगे या कुछ, तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।